हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th मैथ इंग्लिश मीडियम। एक्सरसाइज है अपनी 7 डिफरेंशिएशन, जिसमें हम 7.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज आगे हम क्वेश्चन नंबर हमने सॉल्व कर लिए थे 5th तक। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है साइन x की पावर रेडियन। ये क्या है? रेडियन है ना। तो रेडियन हम 10th में भी पढ़ा है, हमने 11th में भी पढ़ा है। तो रेडियन की वैल्यू क्या होती है? पाई अपॉन 180। ठीक है, तो ऐसे लिख लेते हैं, लेट y इक्वस टू साइन x पाई x या x पाई अपॉन 180 डिग्री डी अपॉन डी एक्स। तो सबसे पहले हम साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। ये सेम ऐसे कैसे आ जाएंगे, एक्स पाई अपॉन 180। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसका? एक्स पाई अपॉन 180 का। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं, है ना, x पाई 180 डिग्री 11th में हमने इसका किया था। तो देखो, जो भी x के साथ एक कॉन्स्टेंट टर्म है, ये भी, तो x के साथ जो भी कोई एक नंबर होता है, रियल नंबर होता है, तो केवल क्या बचेगा अपने पास? रियल नंबर, है ना। x हट जाता है, जैसे 2x का डिफरेंशिएशन केवल क्या होता है? 2 होता है ना। ऐसे ही x पाई 180 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? पाई अपॉन 180। तो मैं इसको आगे लिख लेता हूँ, पाई अपॉन 180 डिग्री कॉस x पाई अपॉन 180 डिग्री डी वाई डी एक्स आंसर। ठीक है, सिंपल सा है, केवल रेडियन की वैल्यू पुट करनी है। चाहो तो यहाँ लिख सकते हो 1 रेडियन इक्वल्स टू पाई अपॉन में 180। ठीक है ना, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7, लॉग ई बेस log e base 1 minus cos x and 1 upon cos x, under root में है 1 minus cos x and 1 plus cos x। ठीक है, इसका हमें क्या करना है? डिफ्रेंशिएशन करना है। तो देखो, एक क्वेश्चन को इसमें भी, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में कई टाइप होते हैं, ऐसे ही इसमें भी कई टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो, एक तो सिंपल सा क्या है, रेशलाइजेशन कर लो इसका, या फिर सीधा ही इनको कन्वर्ट कर लो, 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स। तो देखो, इनके मैं फॉर्मूले आपको पहले ही बता चुका हूँ, लिखा चुका हूँ, है ना। जैसे 1 माइनस कॉस एक्स है, क्या है? 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो 1 माइनस 2 कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है वैसे तो क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स, बट यहां एक्स है तो ये क्या हो जाएगा? एक्स बाई 2। क्या हो जाएगा? एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ऐसे ही 1 प्लस कॉस का क्या होता है? 1 प्लस कॉस एक्स का क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। चाहो तो सीधे क्या कर देते हैं हम, इनकी जगह ये फॉर्मूले यहाँ पुट कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो? रेशलाइजेशन कर सकते हो। क्या कर सकते हो? रेशलाइजेशन। उसके बाद भी हमें इसमें कुछ चेंजेस करने होंगे। तो देखो, इससे भी सेम वही टाइप आएगा, और रेशलाइजेशन करेंगे तब भी सेम वही आएगा। तो हम रेशलाइजेशन से कर लेते हैं। किससे कर लेते हैं? रेशलाइजेशन से। देखो, 1 माइनस कॉस एक्स, मैं अलग अलग पे अंडर रूट है तो अलग अलग पे अंडर रूट लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पे अंडर रूट है ना, तो अलग अलग अंडर रूट हम ऐसे लगा सकते हैं।
मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, इसका अंडर रूट और इसका अंडर रूट, ठीक है। वही वाई डी वाई अपॉन डी एक्स है ना, वो चले गई वो, लेकिन बाद में हम पहले इसको शॉर्ट फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है। ऊपर तो बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे बन गया a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का अंडर रूट और इसका भी अंडर रूट। देखो ऊपर तो स्क्वायर है वो कंप्लीट पे, तो ये स्क्वायर से ये मैं कैंसिल कर देता हूँ, क्या बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। नीचे है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स, क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स के ऊपर क्या है अंडर रूट, क्या है अंडर रूट, तो स्क्वायर से ये भी कैंसिल हो गया। अब अपने पास बच गया वही 1 माइनस कॉस एक्स जो पहले था ना, पर अब अंडर रूट नहीं है, क्या नहीं है अंडर रूट, तो 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है, अभी अभी हमने मैंने बताया क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ये तो आपको पता है ना, अगर ये आपको फॉर्मूला याद ना हो तो इसका क्या कर देना रेशलाइजेशन कर देना, जैसे 1 प्लस कॉस एक्स को चेंज आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो क्या कर देंगे हम रेशलाइजेशन कर देते हैं, ठीक है। तो नीचे क्या बन गया अपने पास साइन एक्स बन गया, क्या बच गया साइन एक्स, देखो साइन 2x का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यही होता है साइन 2x का, तो साइन x का क्या हो जाएगा 2 साइन x अपॉन 2 कॉस x अपॉन 2, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो देखो साइन x 1 माइनस कॉस x की जगह तो ये आ गया, और नीचे अपने पास आ जाएगा 2 साइन x अपॉन 2 कॉस x अपॉन 2, ठीक है। देखो ये साइन x अपॉन 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, क्या हो गया कैंसिल, तो अपने पास क्या बच गया 2 से भी 2 कैंसिल हो गया, तो ये बच गया साइन एक्स अपॉन 2, और लॉग चल ही रहा है ना, ये लॉग इसको ऐसे ही चलते रहना है, ठीक है, ये लॉग बाद में हम इसके आगे लिख देंगे, है ना, तो हम तो केवल इस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, लॉग तो अपना चलता रहेगा, साइन एक्स अपॉन 2 और कॉस एक्स अपॉन 2, तो ये क्या हो गया टेन एक्स अपॉन 2, यानी कि अपने पास आ गया लॉग। अब मैं ये आप लिख ही लोगे, ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, तो अब मैं उधर की जगह इधर से लिखता हूँ, वही डी वाई अपॉन डी एक्स किसका करेंगे डी अपॉन डी एक्स लॉग ई बेस टेन एक्स अपॉन 2 का, किसका करेंगे टेन एक्स अपॉन 2, इधर मैं लाइन खींच देता हूँ आगे कर लेंगे, ठीक है। तो देखो टेन एक्स अपॉन 2 लॉग, सबसे पहले लॉग का होगा, किसका होगा लॉग का, लॉग का क्या होता है लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स, तो ये आ जाएगा अपॉन में 1 अपॉन टेन एक्स अपॉन 2। अब हम करेंगे किसका टेन का, किसका करेंगे टेन का, देखो डी वाई डी एक्स डी अपॉन डी एक्स, अब हम करेंगे टेन एक्स अपॉन 2 का, चाहो तो हम सीधा भी कर सकते थे पर आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए मैं कंप्लीट करा देता हूँ। यहाँ तो बच गया अपने पास 1 अपॉन टेन एक्स अपॉन 2, टेन एक्स अपॉन 2 टेन का क्या होता है sec स्क्वायर, तो अपने पास आ जाएगा sec स्क्वायर वही एक्स अपॉन 2। अब करेंगे हम d अपॉन डी एक्स किसका एक्स अपॉन 2 का, किसका करेंगे x अपॉन 2, तो x का हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 मैं आगे लिख लेता हूँ, कहाँ लिख लेता हूँ 1 अपॉन 2, ये 1 अपॉन 2 में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ है 1 अपॉन टेन x अपॉन 2 sec स्क्वायर x अपॉन 2, ये अपना हो गया इसका डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। अब देखो हम ये भी अपना सही है, इसके अलावा हम इसको और दो तीन आंसर इसके ला सकते हैं, अगर आपको बुक जैसा आंसर लेके आना है जो बुक में दिया है, तो देखो क्या करेंगे सबसे पहले हम इस टेन को चेंज कर लेते हैं, किसको चेंज कर लेते हैं टेन को,
टेन को किस में चेंज कर लेते हैं? कॉट में चेंज कर लेते हैं। किस में चेंज कर देते हैं? कॉट में। तो देखो मैं इधर कर देता हूँ, कॉट में तो ये ऊपर आ जाएगा। तो देखो 1/2 sec स्क्वायर x/2 एंड cot x/2। ये जो tan है ना, इसको मैंने किस में चेक किया? cot में। तो ये tan क्या होता है? 1/cot। तो cot कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। क्या जाएगा? ऊपर। ठीक है, तो एक ये भी इसका क्या है, आंसर सही है। अब चाहो आप तो इसे और चेंज कर सकते हो, साइन अपॉन कॉस की फॉर्म में भी इसे हम चेंज कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं? साइन अपॉन कॉस की फॉर्म में। चाहो तो इसको आप इतना भी छोड़ सकते हो। देखो अगर साइन अपॉन कॉस की उसमें चेंज करें, इसमें किस में चेंज कर देते हैं? साइन अपॉन कॉस की फॉर्म में। तो देखो कैसे चेंज करेंगे, यहीं से करते हैं। 1/2 1/10 क्या होगा? साइन अपॉन कॉस। तो कॉस कहाँ जाएगा? ऊपर। कहाँ जाएगा? ऊपर। तो कॉस x/2 अपॉन साइन कहाँ जाएगा? नीचे। साइन x/2। और sec क्या होता है? sec को अगर हम क्या करें, तोड़ें, तो sec क्या होता है? 1/cos। तो 1/ ये हो जाएगा cos स्क्वायर x/2। क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर x/2। तो देखो एक इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। केवल क्या बच गया भाई, एक cos से एक cos कैंसिल हो गया, तो अपने पास एक cos बच जाएगा। कहाँ? नीचे की तरफ। तो ये अपने पास हो जाएगा 1/, देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/, ये 2 तो है ही, 2 साइन x/2 कॉस x/2। ये फॉर्मूला हमें पता है किसका होता है, 1 ये 2 x/2 कॉस x/2, ये क्या होता है? साइन x। क्या होता है? साइन x। तो ये हो जाएगा 1/ साइन x। साइन x को हम लिख सकते हैं ना, 2 साइन x/2 कॉस x/2। तो 2 साइन x/2 कॉस x/2 को साइन x भी लिख सकते हैं। 1/ साइन x क्या होता है? कॉस x। तो देखो ये एक नंबर में भी इसका आंसर आ जाएगा, कॉस x चाहे तो। क्या है इसके बाद, यहाँ आने के बाद हमें क्या किया है, इसको साइन कॉस में और इसको 1/ कॉस में चेंज कर दिया, और उसको सॉल्व करने के बाद अपना आंसर क्या आ गया ये। चाहो तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, ये भी सही है, और चाहो तो साइन अपॉन कॉस में चेंज करके कॉस एक की फॉर्म में भी हम इसका आंसर ला सकते हैं। कोई भी बड़ी बात इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 7। तो कोई ऐसी इसमें कठिन वाली बात है नहीं, कैसे ही कर सकते हो। चाहो तो इसको शुरू में जो मैंने फॉर्मूले बताए थे ना, वहाँ से इसको जब हम चेंज करेंगे तब भी अपने पास यही फॉर्म आएगी, कौन सी? टेन एक्स अपॉन टू। उसके बाद ये सेम टू सेम ऐसे ही हो जाएगा, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल इजी है, अभी अभी किया था, बिल्कुल ऐसा ही है। sec x क्या है? रेडियन, ठीक है ना। तो सिंपल सा है, लेट y इक्वल्स टू sec x, रेडियन को हम क्या लिख लेते हैं? पाई अपॉन 180 dy अपॉन dx d अपॉन डी एक्स sec x पाई अपॉन 180। sec x क्या होता है? sec x tan x, x की वैल्यू अपने पास क्या है? ये कंप्लीट। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा sec x पाई अपॉन 180 tan
x पाई अपॉन 180। अब करेंगे हम d अपॉन dx किसका, x पाई अपॉन 180। तो वही क्या होगा इसका, पाई अपॉन में 180। तो पाई अपॉन 180 में आगे लिख लेता हूं, sec x पाई अपॉन 180 tan x पाई अपॉन 180। ये हो गया अपने पास dy अपॉन dx, है ना। जैसे हमने पिछले उसमें 6 क्वेश्चन में साइन का किया था, अब हमने किसका किया है, sec का किया है, sec x रेडियन, उसमें sin x रेडियन था, सेम टू सेम है, बस sec की क्या हो जाएगा, sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, लॉग 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, लॉग 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। अभी अभी जैसे हमने वो क्वेश्चन किया था ना, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है ये, कोई भी इसमें ऐसा नई चीज नहीं है। तो देखो क्या कर देते हैं, रेशलाइजेशन करते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये हिस्सा तो लॉग तो आगे चले गए, हम इसमें रेशलाइजेशन करते हैं। देखो 1 प्लस साइन एक्स, अलग अलग क्या लगा लेते हैं, रूट लगा लेते हैं, 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। रेशलाइजेशन करना तो सबको आता ही होगा ना, डिनोमिनेटर वाले पार्ट का साइन चेंज करके बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। नीचे फॉर्मूला बनता है a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अंडर रूट अंडर रूट, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, यहाँ 1 साथ में इसलिए अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल नहीं होगा, इसको चेंज कर देते हैं, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स, क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस से रूट से स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया। अब मैं अलग अलग लिख लेता हूं, देखो 1 अपॉन कॉस और साइन अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस, अब देखो आगे मैं यहां लॉग लिख देता हूं, लॉग इवेस 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा क्या, लॉग ई बेस 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक एक्स, साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन एक्स। तो अपने पास क्या आ गया, लॉग ई बेस सेक एक्स प्लस में टेन एक्स। अब हम इसका क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं, क्या कर देते हैं डिफरेंशिएशन। तो इनके सब के आगे यहां ना लॉग जरूर लगा लेना, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, y इक्वस टू लॉग e बेस sec x प्लस में tan x। तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू d अपॉन dx करेंगे सबसे पहले, log e बेस sec x प्लस tan x का। तो सबसे पहले किसका होगा,
लॉग का, लॉग क्या होता है, वन अपॉन एक्स, तो अपने पास यहाँ क्या आ जाएगा, वन अपॉन एक्स की जगह क्या आ जाएगा, sec x प्लस tan x। अब हम करेंगे, इतना हो गया d अपॉन डी एक्स sec x प्लस tan x का, किसका करेंगे, sec x प्लस tan x, तो ये प्लस में है तो इसलिए इन दोनों का एक साथ हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इक्वल वन अपॉन sec x प्लस tan x, ठीक है। sec x का क्या होता है, sec x tan x, क्या होता है, sec x का होता है sec x tan x, और प्लस में tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x, क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो देखो यहां से sec और यहां से sec, में sec कॉमन ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, sec कॉमन, 1 अपॉन sec x प्लस tan x, sec x ले लिया क्या कॉमन, अपने पास क्या बचेगा, यहां से तो बच गया tan x, यहां बच गया प्लस में sec x, ठीक है। यहां से sec x क्या लिया है, कॉमन, तो sec कॉमन ले लिया, तो tan x और sec x बच गया, यहां भी क्या है, sec x और tan x, तो ये हो गया कैंसिल, अपने पास क्या बच गया, केवल dy अपॉन dx बराबर sec x, कितना आ गया, sec x आ गया अपने पास, नाइन्थ का डिफ्रेंशिएशन, है ना, सेम टू सेम ऐसे ही है, कोई भी नई चीज नहीं है, वही डिफरेंशिएशन करना है। सबसे पहले क्या किया, रेशलाइजेशन किया, जो सॉल्व था सॉल्व किया, उसके बाद अपने पास क्या आ गया, लॉग sec x tan x, इसका डिफरेंशिएशन किया, पहले लॉग का करेंगे तो ये 1 अपॉन x, लॉग x क्या होता है 1 अपॉन x, फिर sec x tan x, तो ये एक ही है, प्लस में है दोनों, तो दोनों का क्या करेंगे, अलग अलग, sec x का डिफरेंशिएशन और tan x का डिफरेंशिएशन, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, और tan x का होता है sec स्क्वायर x, तो यहां से हम दोनों से क्या कॉमन लिया, sec कॉमन लिया, tan x प्लस sec x बच गया, sec x tan x, tan x sec x, sec x tan x, एक ही बात है, ये कैंसिल हो गए, 1 का मल्टीप्लाई sec x से किया, तो अपने पास क्या आ गया, sec x dy upon dx equals to में sec x, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 9th कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है लॉग लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन ए, क्या है, अपॉन में है ए, देखो ये है लॉग एम अपॉन एन की फॉर्म में, या तो चेंज कर लो, ना भी चेंज करो तो वो क्या होगा, फिर ये वन अपॉन में एक्स, तो ये तीन टाइम हो जाएगा ना, तो इसलिए हम इसे क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, किसकी फॉर्म में है ये, लॉग एम अपॉन एन, ये फॉर्मूला लॉगरिथम का है, सबको याद होना चाहिए, लॉग एम माइनस लॉग एन, क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन, तो हम इसे इसी फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट माइनस
लॉग ए, क्या है लॉग ए। तो देखो लॉग क्या है, ये ए बेस ए या फिर लॉग ए। तो ये देखो जो ए है ना, ये यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग ए बेस ए, इसके इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो जीरो हो जाएगा ना, लॉग ए यहाँ क्या हो जाएगा जीरो है ना, लॉग एक्स तो है नहीं जो वन अपॉन एक्स हो जाएगा, तो इसकी क्या, इसकी वैल्यू क्या होगी जीरो। तो अब हमें कुल मिला के इसका क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है इस पार्ट का। देखो ये दोनों किस में है, माइनस में, तो दोनों का एक साथ होता है, तो सब अब इसका हम करते हैं, तो देखो लॉग एक्स तो क्या हो जाएगा वन अपॉन एक्स, क्या हो जाएगा वन अपॉन एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, सीधा लिख देता हूँ मैं फर्स्ट स्टेप, तो ठीक है ना, चाहो तो यहाँ लिख दो डी अपॉन डी एक्स, ठीक। तो देखो लॉग एक्स यानी कि वन अपॉन एक्स, तो वन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब हम करेंगे किसका, इसमें x है आगे और ये है एक अलग नंबर, तो अब हम करते हैं d अपॉन डी एक्स एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। तो अब हम केवल किसका करते हैं, x का कर लेते हैं, किसका कर लेते हैं x का, तो ये तो सेम ऐसे ही है, तो देखो इसका हो जाएगा वन, क्या हो जाएगा x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, x का डिफ्रेंशिएशन होता है वन। भाई ये दोनों प्लस में है ना, ये नंबर और ये नंबर, तो जब भी प्लस वाले नंबर होते हैं तो कैसे लगाते हैं हम, इसमें भी डिफ्रेंशिएशन लगता है, इसमें भी डिफ्रेंशिएशन लगता है, ठीक है। तो देखो इसका तो डिफ्रेंशिएशन हो गया वन, अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसका, रूट वाले नंबर का, किसका करेंगे रूट वाले नंबर का, देखो बीच में साइन है प्लस रूट, तो रूट क्या होता है वन अपॉन, देखो ये है रूट एक्स की फॉर्म में, यानी कि वन अपॉन टू रूट एक्स, रूट एक्स की जगह क्या है एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ठीक है। अब हम करेंगे इन इस अंदर वाले नंबर का, ठीक है ना, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट का तो हो गया, रूट का तो यहाँ रूट नहीं लगाएंगे ना, क्योंकि रूट का तो हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। तो देखो क्या बचेगा, वन अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर अंडर रूट इंटू वन प्लस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का क्या होता है टू एक्स और ए का क्या हो जाता है जीरो, ठीक है ना, एक ऐसा ही कोई नंबर है जिसमें x वेरिएबल तो है नहीं कुछ, तो इसका क्या हो जाएगा जीरो। तो अपने पास ये तो हो गया क्या, डिफरेंशिएशन कंप्लीट। अब हम सॉल्व करते हैं, देखो ये मल्टीप्लाई में है तो टू से टू कैंसिल हो गया, क्या हो गया टू से टू कैंसिल, वन अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये x कहाँ जाएगा ऊपर, कहाँ जाएगा यहाँ ऊपर, ये टू से टू तो कैंसिल हो गया, तो अपने पास बच रहा है वन प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये अंडर रूट और आएगा ना यहाँ अंडर रूट और अंडर रूट। अब देखो ये प्लस में क्या है, प्लस में, तो इन दोनों का प्लस हमको करना है, तो इसका हम एलसीएम लेंगे ये आ जाएगा, तो मैं इधर सॉल्व करता हूँ इसको, देखो वन अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, तो वन से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, फिर वन से इसका डिवाइड दिया तो यही, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टू सेम यही आ जाएगा, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, बीच में साइन है प्लस। अब देखो इसका डिवाइड देंगे इसमें तो हो जाएगा वन, वन का मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स, क्या आ जाएगा एक्स, ठीक है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो देखो एक्स एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये और ये क्या है सेम है, तो अपने पास क्या बच गया वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर, ये हो गया अपना आंसर।
क्या आ गया अपना 1/x² प्लस में a स्क्वायर का अंडर रूट dy/dx इक्वल्स टू, ठीक है। क्या किया था, सबसे पहले हमने लगाया था log m अपॉन m की जगह log m माइनस log n, तो ये वाला पार्ट तो इसमें जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो हो जाएगा जीरो। चाहो तो ये हम माइनस जीरो करके ऐसे खत्म कर सकते हो इसको, है ना। इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे तो log x, log x क्या होता है 1/x, x की वैल्यू है ये रही। अब हम d अप by dx करेंगे इस वाले पार्ट का, देखो ये एक पार्ट है और ये एक अंडर रूट वाला पार्ट है, तो पहले करेंगे इसका और फिर करेंगे इसका, प्लस में ना तो दोनों में एक साथ कर सकते हैं, कोई फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, तो x का तो हो जाएगा क्या 1 और ये है नंबर रूट में, रूट x, रूट x क्या होता है 1/2√x, ठीक है। अब हम पार्ट कौन सा बच गया, ये वाला, ये भी तो एक वेरिएबल बच गया ना x² + a² तो x² + a² का करेंगे तो a² तो हो जाएगा 0, x² का हो जाएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल, x का मल्टीप्लाई आ गया यहाँ। अब ये यहाँ से क्या करना है, हमें इन दोनों में ऐड करना है, तो ये तो आ जाएगा LCM, ये जैसे LCM आएगा तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे और x तो रहेगा x। अब ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, तो इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो अपने पास आंसर आ गया 1/x² + a² क्या आ गया 1+x² + a² ये हो गया अपना कौन सा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अब जो क्वेश्चन नंबर 11 है ना वो सेम टू सेम ऐसा ही है, ठीक है, वही लॉग में m अपॉन n की पावर है, वही लॉग m n माइनस n से आप उसको सॉल्व करके देखना, अगर वो सॉल्व हो जाता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर सॉल्व हो गया, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में अपनी जो ये है 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी बिल्कुल ही, ठीक है ना। तो आज के लिए केवल इतना ही, थैंक यू।